Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. And today we are going to react on the trailer of The Kashmir Files, directed by Vivek Ranjan Agnihotri. And we know that we are very, very late. Because of Praveen Kumar ji ki tabiyat jo thi, wo bahut zyada kharab chal rahi thi kuch samay se. और हम लोग बहुत चाह रहे थे कि हम लोग इस ट्रेलर का रिएक्शन करें. Absolutely. एंड हम लोग आई गेस एक दो वीक लेट हैं. Absolutely. मतलब मुझे लगता है हम पूरे एक वीक लेट हैं. और बट स्टिल आई मीन जो अच्छा कंटेंट है मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करने में कभी भी कोई इशू नहीं होता. आप कभी भी उस बारे में बात कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. हम लोग वैसे बहुत देर हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ट्रेलर बिल्कुल भी नहीं देखा है या फिर वी डोंट नो अबाउट द ट्रेलर कि इसमें क्या चल रहा है. क्योंकि एक वीक हो चुका है और जिस हिसाब का वो ट्रेलर है उसके बारे में हर जगह बातचीत हो रही है. तो इट्स नॉट लाइक वी डोंट नो व्हाट इज इनसाइड द ट्रेलर. बट हाँ, मतलब मैंने तो पूरा ट्रेलर नहीं देखा अभी. आई हैव सीन सम डायलॉग्स और यू नो ऐसा, बट पूरा. बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मतलब इस साल की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवी होने वाली है. बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है. बट मुझे लगता है कि ये वो टॉपिक है जिसके बारे में यू नो आज की जनरेशन को पता होना चाहिए. बिकॉज आई फियर दैट कि इसको रिलीज होने दिया जाएगा. यू नो अब रिलीज हो रही है एंड आई प्रे दैट ये फिल्म रिलीज हो. यू नो बिकॉज एवरीवन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. दिस पर्टिकुलर जो हमारे पास में हुआ है इंसिडेंट में, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था ये. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर रिएक्शन ऑफ द कश्मीर फाइल्स. ट्रेलर रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ट्रेलर रिएक्शन. 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है. जी. कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25. अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते. और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते. मार देते. उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे. मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस. नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड. देखो कौन है. कृष्णा. रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है. हमारे लोग मर रहे हैं सर. कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है. पंडितों को किसी ने नहीं भगाया. वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए. जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था. जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था. तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में. कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ. कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद. एक ही आवाज बुलंद होगी. बच्चा बच्चा कहेगा आजादी. देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश. मौत. मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं. बम उस पर फटा था, तुम पर नहीं. पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना. पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया. आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म. इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर. सैक्रिलेज जनगणमन ऑफ इंडिया. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर. कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई. क्यों? एंड वी विल नेवर अलाउ कश्मीर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री. चाहे उसके लिए आग क्यों ना लगानी पड़े. दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस. कृष्णा. लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? Mm-hmm.
आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड. आपने देखा होगा कि हम लोग इस तरह देख रहे थे, मतलब मैं तो बस जितना मैं घुस के इसके अंदर देख पा रहा था मैंने सब देखा. इसके अंदर कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे इन लोगों ने पिक किए हैं, मतलब सारे कुछ इन्होंने सब कुछ कवर अप किया है. उस टाइम पे कुछ पिक्चर्स फोटोज वो लीक हुई थी, मतलब लोगों ने फोटोज लीक क्या हुई थी, फोटोज दिखाए थे लोगों ने जब डेड बॉडीज है ना, वो सारे इंसिडेंट्स भी इन लोगों ने फिल्माए. वो जब विमेन खड़ी है बिना किसी कपड़ों के, बहुत कम कपड़ों के, वो तक रियल इंसिडेंट है. उस तक की फोटोज उस टाइम पे थी और वो तक भी इसमें कवर अप किया गया है. और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर जो पॉलिटिकल जो ओपिनियंस हैं लोगों के डिफर करते हैं उसको भी दिखाया गया. दर्शन कुमार के थ्रू जो आज की जनरेशन जो सोचती है वो दिखाया. इन्होंने सिर्फ ऐसा मतलब कि उस जो इंसिडेंट वहां पे हुआ उसको किस तरीके से देखा जाता है, या फिर जिन लोगों को उसके बारे में नहीं आइडिया है वो उसको किस तरीके से लेते हैं वो भी ओपनली दिखाया है. और जिन लोगों ने झेला है, जिन लोगों ने, आप एक चीज देखिए, आप देखिए कि अनुपम खेर जो है वो इसमें जो कश्मीरी पंडित हैं उसका किरदार निभा रहे हैं, और वो है भी वैसा कश्मीरी पंडित. उनके उन्होंने खुद बहुत मतलब बताया भी है कि उनकी जो फैमिली थी उनके संग ऐसा ऐसा हुआ था. तो आप एक तरीके से इसमें उनका दर्द भी देख सकते हैं, जिस तरह से बात बोल रहे हैं ना कि तू जानता क्या है कश्मीर के बारे में, बिकॉज वो तो अभी की जनरेशन है, उसका अपना एक अलग अग्रेशन है बिकॉज द पॉलिटिकल जो भी चीज सिनेरियो है उसको लेके अपना ओपिनियन है उसका. तो लेकिन ये चीज बड़ी अच्छी है कि सारा कुछ कवर अप किया गया है इसके अंदर. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या सोचते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, एट द सेम टाइम पे उस समय क्या क्या हुआ था उस समय वो भी कवर अप किया गया है. सो बहुत ब्रूटल और बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि टू द पॉइंट ये फिल्म होने वाली है. बहुत ज्यादा ऑनेस्टी से इस फिल्म को बनाया गया है. मतलब मैं कुछ कुछ सीन्स देखे जिसमें गोली इस तरह से मार दी यहाँ पे, एंड बच्चे के मुंह पे जिस हिसाब से आया, जिस हिसाब से तो, बच्चे ने चीखा तो इस दैट वाज टेरिफाइंग. इट वाज टेरिफाइंग. मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मुझे लगता है इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी होने वाली है ये द कश्मीर फाइल्स. और इट्स गुड दैट ये ऐसे समय पर आ रही जहां पे हर किसी को जानना चाहिए इस बारे में. बहुत से लोगों को नहीं है आइडिया, तो मुझे लगता है कि ये एक फिल्म में कैसा मौका होने वाली है कि लोग जाने, स्पेशली आज की जनरेशन को लगे आइडिया, और मुझको भी लगे आइडिया क्योंकि मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता इस बारे में. तो मैं जब देखूंगा तो मुझको भी बहुत कुछ लगेगा आइडिया, मुझे भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे. लोगों की अपनी आप बीती जो है इसके अंदर, सो वो चीज है. सो बाकी कास्ट बड़ी कमाल की इन्होंने पिक की है, कास्ट बड़ी अच्छी पिक की है इन लोगों ने. सो मिथुन जो है वो भी प्ले कर रहे हैं इसमें. अब देख everyone is good. So yeah, the whole trailer is it's like ki jaisa hota na ki ek cheez jisko aap ignore karte hue aa rahe the, now that particular thing is front of your face. Absolutely, and you cannot ignore this that. Is the time when you cannot ignore it. Yeah, absolutely, this is the time where you cannot ignore, you have to face it. It's yes. Like that, matlab aapko aisa, aapko ye bhi nahi bataya ja raha hai, आपको फेस करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा हुआ था. देयर इज अ पार्ट ऑफ पीपल जो लोग ये चीजें झेल के आए हैं, लाइक सीरियसली, क्योंकि अभी के टाइम पे भी इट्स नॉट लाइक कि अभी वाली जो जनरेशन है उनको, जिन लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में, जिनकी रिसर्च भी है, या फिर जो बिलोंग भी करते हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडिया हो उस चीज का, मतलब दे ऑल्सो डोंट हैव दैट आइडिया, क्योंकि वो चीज है ना जिसने फील किया उसने फील किया, उससे अच्छा तो यू कैन नॉट फील. सो अगस्त में फिल्म आ रही है सिनेमा हॉल में. एंड आई लव दिस टाइप ऑफ थिंग कि जैसे ये इस हिसाब के टॉपिक, क्योंकि एक्चुअली में दिस इज व्हाई इट बिगेन, मूवी बनना, सिनेमा हाँ. वगैरह चीजें, ये सब चीजें होना, न्यूज़पेपर छपना, और मुझे लगता है कि सिनेमा इस चीज में बहुत अच्छा काम कर सकता है कि एटलीस्ट आइडिया लगे लोगों को, हाँ, एक पिक्चर दिख जाए कि दिस इज व्हाट हैपनिंग, दिस इज व्हाट हैपेंड, एब्सोल्युटली, और हम उसी पाथ पे दोबारा चल रहे हैं. ये वो वाली चीज जो है ना, वो मेरे को लगता है कि वो ये फुलफिल करती है, वो एक्चुअल जो काम है मूवीज का, सिनेमा का, या फिर ये जो ये इस प्लेटफॉर्म का जो एक्चुअल काम. सो आई लाइक द ट्रेलर, और मुझे लगता है कि हमें मूवी देख के मेरे को ये लगता है कि हमें बहुत सारी चीजें नई समझ में आएंगी, नए इक्वेशन समझ में आएंगे कि एक्चुअली में क्या हुई थी चीजें. So this was the Twitter reaction of the Kashmir Files.
आज के लिए बस इतना ही। आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा? आई नो हम लोग थोड़ा सा लेट है, तो आप बहुत सारी और चीजें भी ट्रेलर के बारे में जान चुके होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।